खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज देश पुलिस का वो गुस्सा देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखा था। वर्दी जिसे पहनने के बाद कंधों पर कानून व्यवस्था को चलाने का जिम्मा होता है, वर्दी जो इस बात का आश्वासन देती है कि उसकी मौजूदगी में देश का आम नागरिक सुरक्षित है, लेकिन वही वर्दी आज सड़क पर अपने लिए न्याय मांग रही है। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी हाथों में तख्तियां उठाए पूछ रहे हैं कि हम तो लोगों की सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। पुलिस कह रही है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। हमारे बच्चे जवान हैं, ये हमारी उम्र पिटने के नहीं है। अगर कोई हमारे को थप्पड़ मारता है, ये हमारी उम्र हुआ पिटने के नहीं है। सर इतना विचलित रहता है कि मेरे को दो बार हार्ट अटैक आ चुका है, सिर्फ अपने आत्म सम्मान के लिए मजबूरी में बैठे हम यहाँ। और नहीं तो हम नहीं चाहते थे हम इस टाइम लोगों की सेवा कर रहे होते, हम क्यों रोड पर आए हैं। ताकि हमारे ऊपर आज से ज्यादा बीत चुकी है। हम ही पुलिस अपने आप ही सेफ नहीं है तो दूसरों को क्या सेफ करेंगे। हम भी इंसान हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हम दूसरों की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम दूसरों से पिटते रहे। इस वर्दी पर अगर आ जाएगी तो डेफिनेटली वी स्टैंड, वी फाइट और हम आवाज उठाएंगे और लास्ट जो कहते हैं ना लास्ट ब्रीथ तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इतनी कठिन ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फील्ड में नौकरी करते हैं, किसी की बाप दादा की दी हुई नौकरी नहीं है ये। सैकड़ों पुलिस कर्मियों की भीड़ आज सड़क पर है क्योंकि वर्दी पर आंच आई है। विरोध का झंडा बुलंद किए ये पुलिस वाले आज नारे लगा रहे हैं क्योंकि इनके सम्मान को धक्का पहुंचा है। इतना अपमानित होने के बाद अरे हम इस चेहरे को लेकर अपने घर पे कैसे जाएं? इतना अपमान हमारा, अरे हमें तो शर्म आती है कई बार तो अपने बच्चों को बताने में कि हम दिल्ली पुलिस में हैं। रोज आए दिन पब्लिक हमें मार रही है, वकील हमें मार रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमा ये पुलिस वाले बस एक सवाल लेकर आए, सवाल ये कि इनकी बात कौन सुनेगा। मिलना चाहिए जी, सीधी बात है, हमारा भी घर परिवार बच्चे सबको सुरक्षा देते हैं, हम रोड पर पिट रहे हैं, हमारे को भी कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए हमारे अफसरों की। सर इस वक्त जब पुलिस ही सेफ नहीं रहेगी तो फिर वो आम पब्लिक को कैसे सेफ्टी देगी जब पुलिस पे ही अटैक्स होने लग गए हैं। देश शायद पहली बार दिल्ली पुलिस की ऐसी तस्वीर देख रहा था, वो दिल्ली पुलिस जो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस जो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों से भी बड़ी पुलिस है। जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया मुझे लगता था ये वर्दी मेरी आन है, ये वर्दी मेरी शान है और इस वर्दी के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन इस वर्दी को पहन के हर डर हर सिचुएशन में मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत मिलती थी। उसकी वजह से आज ये हालत है कि इस वर्दी को ही पहनने में मुझे डर लग रहा है। मैं अगर इस वर्दी को डर के साथ पहनकर निकल रही हूं, तो मैं सामने किसी को क्या सेफ्टी दे सकती हूं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वर्दी को अपनी शान समझने वाले दिल्ली पुलिस के जवान ड्यूटी छोड़कर आंदोलन करने बैठ गए। ऐसा क्या हुआ कि शांति से अपनी ड्यूटी करने वाले इन पुलिस कर्मियों के सब्र का बांध टूटा। कोर्ट परिसर से उठता धुएं का गुबार देखिए, काले कोर्ट में वकीलों की भीड़ पुलिस की गाड़ियां तोड़ते हुए दिखाई दी। गुस्साए वकीलों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले तक कर दिया। पूरा विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। 30,000 कोर्ट के पास ये वो जगह है जहां पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। दरअसल ये जगह जेल वाहनों के लिए रिजर्व है। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई लॉकअप की पार्किंग से। जब एक वकील लॉकअप की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने लगा तब वहां खड़े पुलिसकर्मी ने उसे गाड़ी लगाने से मना किया। पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट से लेकर गाड़ियों में आग तक लगा दी गई।
जो व्हीकल जलाए गए वो क्या है? देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जो जलाई गई है, ना मेरे हमारे दिल्ली पुलिस वालों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो जनता के पैसों से कमाई गई प्रॉपर्टी थी, वो सरकारी प्रॉपर्टी थी, उसका नुकसान कोई मायने नहीं रखता। वो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सड़क पर जमा हो गए कि दिल्ली पुलिस तो लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन पुलिस वालों की सुरक्षा कौन करेगा? हमारे जो भाई है, सिपाही है, हवलदार है, रात दिन रात सड़कों पे ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जो आज दिल्ली में हालात है, उस हिसाब से नौकरी करने के लिए कोई सिपाही या हवलदार आगे नहीं आएंगे, सब थक चुके हैं। और इसी तरह ये चलता रहेगा तो एक दिन दिल्ली पुलिस में या किसी भी पुलिस में कोई आदमी भर्ती नहीं होगा। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दो बड़ी खबरें इस समय हम आपको देंगे। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए कहा था, कल दिल्ली पुलिस सुनवाई के दौरान कोर्ट से अपील करेगी कि उनके खिलाफ जांच होने तक कोई कार्रवाई ना की जाए। 30,000 के मामले के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी की अनुमति भी हाई कोर्ट से मांगेंगे। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, बहुत देर कर दी ये फैसला लेते लेते दिल्ली पुलिस ने, SLP अगर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते तो शायद विवाद इतना ना बढ़ता। देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की जो मीटिंग हुई है, और इसके अलावा उपराज्यपाल और तमाम आला दर्जे के अधिकारियों की मीटिंग में तय किया गया है कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ये अपील करेगी कि दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक्शन लेने के लिए कहा है, उस आदेश में सुधार किया जाए, और जब तक जांच चलती है तब तक उनके खिलाफ भी एक्शन ना किया जाए। दूसरी बात कि 30,000 कोर्ट के अलावा जिन मामलों में FIR दर्ज हुई है, दो अन्य मामलों में FIR दर्ज हुई है, जो उस मामले के आरोपी हैं, उन आरोपियों को गिरफ्तारी की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो FIR है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आरोपियों को जिन लोगों ने पिटाई की है उनको पहचाना जा सकता है, या जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उनको पहचाना जा सकता है। तो ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी की परमिशन हाईकोर्ट से मांगी जाएगी। जाहिर सी बात है, कल की सुनवाई के दौरान अहम फैसले हैं, और जो दिल्ली पुलिस के कर्मी नाराज हैं, वो सबसे बड़ी उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि वकीलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रहे हो कहा गया, जबकि पुलिस के खिलाफ साफ तौर पर एक्शन कर रहे हो कहा गया। यही कारण है कल दिल्ली पुलिस जी। ओम प्रकाश, दरअसल पेच इसी बात पर फंसा कि हाईकोर्ट ने अगर संज्ञान लिया, ऐसे में कमिश्नर पुलिस अगर SLP कर देते, यानी स्पेशल लीव पिटीशन, तो शायद जो नीचे की फोर्स है वो इतना नाराज ही नहीं होती। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता देते हैं, इस पूरे धरने से जुड़ी हुई, उपराज्यपाल अनिल बैजल का आधिकारिक बयान अब सामने आ गया है। पुलिस के धरने पर 9 घंटे बाद LG साहब ने बयान दिया है, घायल पुलिस वालों को मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कहना है उपराज्यपाल का। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित, उपराज्यपाल ने, आपको नहीं लग रहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? 6 घंटे 9 घंटे बीतने जा रहे हैं, इतने दिन से पुलिस दिल्ली पुलिस में लगातार ये जो संघर्ष था वो चल रहा था वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच, पहली बार अब आधिकारिक घोषणा कोई। शोभना, अगर हम उपराज्यपाल कार्यालय की बात करें तो उनका कहना है कि जैसे को इस बारे में जानकारी मिली कि गतिरोध इस तरह से बढ़ गया है कि जब सड़कों पर आ गए पुलिस वाले, तब जो है पुलिस काला अधिकारियों को आया गया, क्योंकि इससे पहले उनसे जो बातचीत की जा रही थी घटना के बारे में, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था, इस वजह से उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से या उपराज्यपाल की तरफ से सीधे इंटरव्यू नहीं किया गया। लेकिन आज जब देखा कि हालात ये आ गए हैं कि जो पुलिस, जिसको रक्षक कहा जाता है समाज का, वो सड़कों पर है और खुद की सुरक्षा की मांग कर रही है, तो उसके बाद में उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से जो पुलिस काला अधिकारी हैं उनको एक तरीके से निर्देशित किया गया कि वो बैठक में पहुंचे, और उसके बाद में उनसे बैठक करने के बाद में उपराज्यपाल की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वहां पर भी हमको एक बैलेंस की बात देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ कहा गया है कि जो पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल है उनको एक एक्सग्रेशन अमाउंट दिया जाए और उनका इलाज अच्छे तरीके से करवाया जाए, लेकिन उसी में ये भी कहा गया है कि जो वकील भी गंभीर रूप से घायल है या वकील घायल हुए हैं उनका भी इलाज अच्छे अस्पताल करवाया जाए, तो एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुबह का से पूरा माहौल बना हुआ है, तो उपराज्यपाल की जो जानकारी निकल के सामने आई है या उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से ये जो अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी आई है, इसमें थोड़ी सी देरी तो जरूर लगती है। अंकित, सीधी सी बात है कि गृह मंत्रालय के अंडर में दिल्ली पुलिस काम करती है और गृह मंत्रालय ने कोई इंटरवीन नहीं किया अभी तक, 9 घंटे बीत गए हैं, LG साहब का अब बयान आया है। फिलहाल मैं आपकी भेजी हुई एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देती हूं, जिसमें पुलिस वालों की दिनचर्या क्या होती है, कितने लंबे उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, उनको आप समझिए और फिर उनकी परेशानी का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा पाएंगे। दिल्ली पुलिस के एक जवान का 24 घंटे का वक्त कैसे गुजरता है, कैसे गुजरता है एक दिन, क्योंकि कहा यह जाता है
सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल भर के, साल के 365 दिन ड्यूटी पर रहते हैं दिल्ली पुलिस के जवान या फिर कोई भी पुलिस का जवान। तो हमारे साथ मौजूद हैं महिपाल जी जो कि सब इंस्पेक्टर है। महिपाल जी, कहा यह जाता है कि आप लोगों के 24 घंटे क्या 365 दिन ड्यूटी पर ही गुजरते हैं, तो अगर हम बात करें आपकी, कितने साल हो गए सर्विस में आपको? यहाँ मुझे अभी 5 साल हुए हैं। अभी 5 साल हुए हैं, तो 5 साल आपको हुए हैं, तो 24 घंटे सुबह जब आप जगते हैं तब से लेकर के अगले दिन सुबह उतने बजे तक किस तरह से आपका वक्त? हमारा ड्यूटी का कोई लिमिटेशन नहीं है और 24 आवर्स हमारी ड्यूटी है। इवन कि अगर हम सो भी रहे होंगे, अगर हमें कॉल आ गया कि भाई हम इस तरीके कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, कोई मर्डर हो गया, कोई गया, तो हमको 24 तुरंत उस मौका अपनी ड्यूटी में पहुंचना पड़ता है। हमारी ड्यूटी का कोई लिमिटेशन नहीं है, 24 आवर्स हम ड्यूटी में बंधे हुए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि कभी आपको जो है एक जो दिनचर्या होती सबकी कि कोई सुबह 5 बजे सो के उठता है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, अगर हम ये मान के चलते हैं आप अगर सुबह 6 बजे एक दिन सो के उठे, उस दिन से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक किस तरह से आपका निकलता है? सुबह अगर हम 6 बजे हम उठ गए तो हम 8 बजे करीब हम जाएंगे अपने थाने जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ता है और कई अरेंजमेंट होते हैं, कई सारी ड्यूटियां होती है और इवन की इमरजेंसी ड्यूटियां होती है, हमारे पास कंप्लेंट होती है, कोर्ट केसेस होते हैं, उनमें सब में काम करना पड़ता है। तो हमें मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं, अपने परिवार के प्रति, अपने खाने के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति हमें कोई टाइम नहीं है। पर में लंच टाइम होता है? कोई हमारे को लंच टाइम नहीं है। इवन कभी हम 1 बजे खा लेंगे, कभी 2 बजे खा लेंगे, कभी 5 बजे खा लेंगे, जैसे आज अभी खाया नहीं है। मतलब इस तरीके हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है, ना हमारा खाने का टाइम है, ना हमारा सोने का टाइम है और ना हमारा ड्यूटी का टाइम है। शाम को घर कितने बजे पहुंचते हैं? अप्रोक्सीमेट 11-12 बजे जाते हैं। सुबह 8 बजे निकलेंगे तो रात 11-12 एक मतलब 1 बजे 2 बजे तक हम सोते हैं और सुबह वही 5-6 बजे उठ जाते हैं। तो सुना आपने इस पुलिस वाले को न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न परिवार से मिल पाते हैं। और इस परिवार की जब हम बात कर रहे हैं तो परिवार भी अब इन जवानों के समर्थन में सामने आ गया है। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च इन परिवार के द्वारा निकाली जा रही है और आईटीओ पर जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां पर ये जवान धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम आला अधिकारी इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जस से तस नहीं हो रहे हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए। वरुण, एक तरफ तो जवान खुद विरोध में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अब परिवार भी आ गए, तो अंदाजा लगाइए कि पानी किस कदर सर से ऊपर से गुजर गया है। अब शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी सर के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि मैं बता दूं इतने सालों की मेरी क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने कभी नहीं देखा कि दिल्ली पुलिस के जवान इस तरीके से प्रोटेस्ट और धरने पर बैठे हो, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन आप सोचिए कितना गुस्सा, कितना आक्रोश, कितनी नाराजगी थी कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। अब ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि उनके जो परिवार है वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। हम इंडिया गेट पर मौजूद है, जो परिवार यहाँ पर पहुंचा था प्रोटेस्ट करने के लिए अब वो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया है। लेकिन आप यहाँ पर अभी भी कुछ मोमबत्तियां देख सकते हैं जो कि जल रही है। मानसिंह रोड की क्रॉसिंग से करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर जो दिल्ली पुलिस के जवान थे उनका परिवार था अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए यहां इंडिया गेट पहुंचा। कुछ लोग भी यहां पर है, क्या आप भी उनके परिवार से हैं? आप थोड़ा सा अगर आ जाए, आप लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च यहां पर किया मानसिंह रोड से, क्या चाहते हैं, क्या नाराजगी है? नाराजगी केवल यही है कि अगर सीनियर्स हमारी भी सुने, ये नहीं कि एक तरफा ही डिसीजन ले, हमारी बात भी सुने और हर उससे सुनी जाए। चाहे हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया मुझे उसका भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट खिलाफ ये है कि उन्होंने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी और केवल वकीलों की ही बात सुनी। कम से कम बलि का बकरा ना बनाया जाता, दोनों तरफा बात सुनी जाती, डिसीजन ना दिया। क्या डर लगता है अब ड्यूटी पर जाने में, क्योंकि आप खुद दिल्ली पुलिस से, मैं देख रहा हूँ आपने कार्ड पहना। मैं आज सुबह PHQ भी गई थी, 2:30 बजे तक मैं वहीं थी और अभी सुबह अपनी फैमिली के साथ भी अभी आई हूँ यहाँ पर। और लोग भी हैं, अगर शोभना इनसे बात करें, आप भी दिल्ली पुलिस से ही हैं या परिवार से? मैं परिवार से हूँ। हाँ जी, क्या कहते हैं कि डर लगता है अब हस्बैंड गए हुए? नहीं लगता है, पर ये है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए हर तरीके से कि वो गए हुए हैं। कल पहले वो सरदार जी के साथ जो मुद्दा हुआ था उसमें भी 2018 बैच के जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो सॉरी। ये जितने भी आप लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से सुबह से बैठे हुए हैं, आपके साथ में सब लोगों की संपत्ति है। ये मीडिया आप लोगों को साथ दे रहा है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग आप लोगों को साथ दे रहा है। सुनिए बात की, सुनिए, आप लोग सुनिए पहले। पुलिस का काम है सुनना और सुन के उसके ऊपर कार्रवाई करना। सुनिए, और ये आप लोग निश्चित रहिए, जितने भी आपके जो आपने ये बताए गए हैं तमाम जितने भी ये मुद्दे आप लोगों ने बताए गए हैं उस पर बड़ी गंभीरता से, गहराई से, दिल से
और पूरा दिमाग लगा कि उस पर कार्रवाई चल रही है सबके साथ। दूसरा, क्योंकि आप समझते हैं एक अनुशासित फोर्स के हिस्से हैं आप लोग, आपको समझ आनी चाहिए कि किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जिसमें कानून बीच में आता है उसमें समय लगता है। आपका जो एक मकसद था वो पूरा हो चुका, आप लोगों ने जो कार्रवाई आज यहाँ पर आके करी है। इससे आगे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यदि आप अपने डिपार्टमेंट अपने किसी यूनिट से आ रखे हैं, ऑफ ड्यूटी हैं, बड़ी मेहरबानी करके आप चले जाइए। परिवार के सदस्य जो आ रखे हैं, परिवार के सदस्य आ रखे हैं, वो अपने घर चले जाइए। और निश्चित रहिए इस बात के लिए कि आपका जो भी वाजिब मुद्दा होगा उसकी समस्या का समाधान हम लोग ही करेंगे। ध्यान रखें इस चीज का, आप लोग अपने दिमाग के ध्यान को कर लीजिए, इस चीज को पूरी आप लोग एक बार सुन लीजिए। आपके तमाम जितनी भी डिमांड है, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, सबका समाधान सिर्फ हम लोगों के पास है। और ध्यान रखें इस चीज का, यदि आप लोगों को हमारे पर विश्वास नहीं होगा तो एक सुनिए बात, और ये जहां तक ये आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे खिलाफ को कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग निश्चित रहिए कोई भी इस तरह की आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग आपकी मुद्दों को उठा के आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया हो, सबके लोगों को पता लग गया है कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं और आपके दिन में क्या गुबार है, वो सब आप लोग निकाल चुके हैं सुबह से लेकर शाम तक। इसलिए लिहाजा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है लास्ट के अंदर कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, अपने ड्यूटी पॉइंट पर चले जाइए। थैंक यू वेरी मच दिल्ली पुलिस के सभा। धन्यवाद सर। अब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत अभी यहां से तुरंत डिस्पेंसर का नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की। सभी अपने अपने घरों में जाएं प्लीज। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर कृष्णैया को आपने सुना, उन्होंने अपील की दिल्ली पुलिस के जवानों से कि आप अपने अपने घर चले जाइए, आपकी जैसी भी समस्या है, चाहे वो कानूनी समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, जो भी आपकी समस्या है उसका हल निकाला जाएगा। परिवारों से भी अपील करी कृष्णैया साहब ने कि आप अपने अपने घर आप जाइए, इस धरने को खत्म कीजिए। तो स्पेशल कमिश्नर ने धरना खत्म करने की अपील दिल्ली पुलिस के जवानों से की। अब समझिए ये समस्या कितनी गंभीर है। पहली बार देश पुलिस वालों का गुस्सा देख रहा है। इन पुलिस वालों के कोई मानवाधिकार नहीं होते, कोई इनके मानवाधिकारों की बात नहीं करता, इनके वर्किंग आवर्स के लिए कोई बात नहीं करता, इनके प्रमोशंस की कोई बात नहीं करता, इनकी तनख्वाह की कोई बात नहीं करता। 24 घंटे ये ड्यूटी पर रहते हैं और आज ये गुस्सा इनका फूट गया है अपने ही कमिश्नर के खिलाफ। आईटीओ पर, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ये धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ तो कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कानून की जानकारी वाले वकील हैं, जिनकी की आपस में अब ठन गई है। दिल्ली पुलिस कर्मी से उनका कहना है कि फिलहाल यहां से भीड़ को हटाने के लिए आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन ये ठोस आश्वासन नहीं है। ये बताइए आप नारे लगा रहे, वी वॉन्ट जस्टिस। सीपी साहब, स्पेशल सीपी साहब ने कहा कि आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। बाप स्पेशल सीपी साहब ने जो कहा है, नहीं जो कहा है, जैसे उन्होंने कहा है कि कंसीडर किया जाएगा, जब लोगों की ये मांग है कि वो लिखित में दें या उन पर विश्वास नहीं है ये बातें, तो कंसीडर किया जाएगा। उन्होंने ये किया, सारी बातें मांगी, कंसीडर के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें कंसीडर किया जाएगा, देखा जाएगा देने में। एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? स्पेशल सीपी साहब ने जो भी कहा है ठीक है, कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कंसीडर करने से इतना तो आश्वासन दिया जाए कि ये जो मांगे हैं हमारी वो कम से कम पूरी हो। अभी फिलहाल आप लोग घर जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, वापस यहां से जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, अभी हम जब नहीं जाएंगे, फैसला नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे। एक चीज आप बताइए, जब एक मिनट में सस्पेंड हो सकता है, एक मिनट में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो एक मिनट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने है। जो आश्वासन दिया गया आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं है, कोई बात। ये बताइए, आप लोग भरोसा हुआ, आश्वासन जो मिला है आप लोगों को भरोसा? अभी चेक करेंगे आप लोग। अभी कहीं नहीं जा रहे, नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं जा रहा है। तो सुन रहे हैं आप, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो जस के तस अपनी बात पर बने हुए हैं, कह रहे हैं कि फिलहाल जो है इन सबको वापस करने की कवायद के लिए मौखिक तौर पे कहा जा रहा है कि सारी बातें मानी जाएंगी, लेकिन
इन सब का कहना है कि हम अभी नहीं जाएंगे। हालांकि साफ तौर पर पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से स्पेशल सीपी ने कहा कि आपकी बातें मानी जा रही हैं, अब आप यहां से वापस जाइए, घरों को जाइए, ड्यूटी ज्वाइन करिए और जो भी आपकी मांग है उन तमाम मांगों को माना जाएगा। लेकिन जब ये बात सीपी जो स्पेशल सीपी कह रहे थे तब भी जो सामने पुलिसकर्मी बैठे थे वो बहुत जो है कन्विंस नहीं हुए थे और अब जब वो वापस जा चुके हैं, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिसकर्मी और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आश्वासन पर भरोसा नहीं है और जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। बिल्कुल जयेंद्र, हम देख सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और एक बात और हमें यहाँ समझनी होगी कि ये जो पुलिस के जवान है ये सिर्फ वकीलों से नाराज नहीं है, अपने आला कमान से भी नाराज है जो उनके साथ उस ताकत के साथ खड़े नहीं हो रहे जितनी ताकत के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस को खड़ा होना चाहिए। तक लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके परिवार कैंडल मार्च इंडिया गेट पर निकाल रहे हैं। पुलिस का अपना पक्ष है और दूसरी तरफ जो वकील हैं उनका अपना पक्ष है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजीव उनियाल जी वकील हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रियंका टिवड़ेवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं। उनियाल साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जब हम वर्दी पर हाथ डालते हैं ना तो हम देश के सम्मान पर हाथ डालते हैं, गलती तो वकीलों से हुई है और आप ये कह लीजिए कि एक तरफा ना कहके कि पुलिस की गलती या वकीलों की गलती, बात बहुत बिगड़ गई है। शोभना अगर हम इस बात के बिल्कुल मर्म तक जाएं, अंदर तक जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए। अब देखिए ये जो लड़ाई अभी लगातार मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था, आपने भी नोटिस किया होगा, ये वास्तव में ऑफिसर्स और नीचे वाले जो पुलिसकर्मी है उनके बीच की है। उनको लगातार चक्की की तरह पीसना एक मैनिफेस्टेशन आज वकीलों के रूप में निकल के आ रही है उनकी, परंतु ये मुद्दा बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये वाला जो पार्किंग वाला जो पूरा विषय हुआ है, परंतु अगर उसमें भी देखें आज ये रो रहे हैं और रोना किसको चाहिए, वकीलों को रोना चाहिए जिनके ऊपर गोली चली है। आपने ये हवाई फायर भी नहीं रो रहे हैं, ये इसलिए नहीं रो रहे कि अपने आला अधिकारियों से परेशान है, ये इसलिए रो रहे हैं कि आज देश के सम्मान पर हाथ डाला जा रहा है। अगर आप यूनिफॉर्म की वर्दी पर हाथ डाल रहे हैं, अगर शोभना पुलिस पे हाथ डाल रहे हैं, कल आप सेना पे हाथ डाल रहे हैं। शोभना नो प्लीज, ये कभी भी नहीं हो सकता। वकील बहुत समझदार है, आज पूरे संसार में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए सोशल में वो सब वकीलों ने किए, परंतु आप ये देखिए पार्किंग के विषय पर इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या? अगर पार्किंग अगर पार्क करके गए, शोभना जी सुनिए, पहले तो मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ। आपने लिखा जवानों पर हाथ, काली वर्दी वाले गुंडे, ये मैं इस पे ऑब्जेक्शन लेता हूँ, आप इसको ठीक करिए। पहली बात तो आप प्री ऑक्यूपाइड होके चल रहे हैं कि गलती हमारी है वकीलों की। प्री ऑक्यूपाइड आप ये समझने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ वकील नहीं इस देश के हर नागरिक को ये समझने की जरूरत है कि जब वर्दी पर हाथ डाला जाता है तो देश के सम्मान पे हाथ डाला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, एडवोकेट एक मिनट का वर्दी वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। एडवोकेट्स एक्ट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है उसमें वकीलों के लिए भी एक वर्दी है। रुक जाइए आप, हमारे ऊपर वर्दी हमारी, ये तो आप भी मानेंगी कि अगर वर्दी पर हाथ डाला जाता है तो देश के सम्मान पे हाथ डाला जाता है। जी बोलिए प्रियंका जी। शोभना जी देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ क्या मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछती हूँ, कानून व्यवस्था क्या सबके लिए बराबर नहीं होनी चाहिए? आज आप जैसे कहते हैं कि हम जो है वो कानून के रक्षक हैं, उसी तरह पुलिस भी कानून की रक्षक है, तो क्या आम जनता आज अपने आप को क्या वो सेफ महसूस करती है? हम भी तो ये कह सकते हैं कि ये वर्दी वाले गुंडों वाले काम कर रही हैं। देखिए किसी एक को बेगुनाह और दूसरे को दोषी दिखाना ठीक नहीं है। प्रियंका जी मेरा ये कहना है कि अगर आप एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल करने की बात करती हैं ताकि वो जिंदगी भर प्रैक्टिस ना कर सके, तो एक पुलिस ऑफिसर सस्पेंड क्यों हो? पुलिस वाले उसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल एक्शन लेना जाना चाहिए जब ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मानते। प्रियंका जी आप कह रहे हैं यहाँ बैठे हैं, आप मुझे इतना बताइए, गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिल जला रहे हैं, हेलमेट फेंक फेंक के मार रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि वकील कानून की रक्षा कर रहे हैं। आज आप वर्दी पहनकर गोलियां चलाएंगे, आप में और एक बाहुबली में क्या फर्क रह गया? आप आम जनता के रक्षक कहां से रहे? मुझे इस चीज का समझने की कोशिश कीजिए प्रियंका जी, कि जिस तरीके से वकीलों ने कानून को हाथ में लिया है, सवाल जरूर खड़े होते हैं और बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से देश के इतिहास में पहली बार
पुलिस के जवान सड़कों पर आ गए हैं। जो लोग हमें सुरक्षा देते हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 9 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर धरने पर बैठे हुए हैं। स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, खुद कमिश्नर सामने आ चुके हैं, अपील कर चुके हैं कि आप लोग अपने अपने काम पर लौटिए, अपने घर जाइए, लेकिन ये जवान जस से तस होने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस का सत्याग्रह लगातार 9.5 घंटे से चल रहा है। जैनेन्द्र हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। जैनेन्द्र, स्पेशल सीपी को हमने देखा, उन्होंने अपील करी इन जवानों से, अब क्या कहना है इन जवानों का? FIR दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तारी की बात भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं, अब किस बात का गुस्सा? बिल्कुल, ये सवाल मैं सीधा इन्हीं पुलिसकर्मियों से पूछता हूं जो सुबह से यहां पर जमे हैं। ये बताइए, स्पेशल सीपी ने कहा है कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो वकीलों ने मारपीट की, कानून तोड़ा, उसमें FIR हो और गिरफ्तारी हो, ये तमाम चीजें हो रही हैं, प्रोसेस चल रहा है, फिर आप लोग क्यों अभी भी जमे हुए? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है वो रिटर्न ऑर्डर पे ही होता है, तो हम भी ये चाहते हैं कि इस बार मुंह जबानी कुछ ना हो। मुंह जबानी वादे बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो भी अगर कार्रवाई करते हैं, अगर हमारे सीनियर ऑफिसर्स पे हमें पूरा भरोसा है, हमें लॉ पर पूरा भरोसा है, हमें अपने इंडिया के जो भी जस्टिस है उन पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हमें रिटर्न में ऑर्डर चाहिए इस बार, इसलिए हम। आप बताइए, आपके सीनियर कह रहे हैं कि सारी मांगे मानी जाएंगी, वाजिब मांगे सारी मानी जाएंगी, आप लोग वापस जाइए, घर जाइए, ड्यूटी ज्वाइन करिए, फिर भी आप लोग यहाँ पे जमे, आखिर क्यों? जी, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीनियर अगर किसी को सस्पेंड करना हो बिना इंक्वायरी के, तो सेट पर मैसेज दे देते हैं और 1 मिनट से कम समय में भी उसको सस्पेंशन की रिपोर्ट लिख दी जाती है। अगर ये चाहें तो अभी ये मैसेज दे करके और बहाल भी कर सकते हैं उसी सेट पे मैसेज दे करके, लेकिन ये सुबह से इस दोपहर बाद इनके पैंतरे चल रहे हैं कि है ना इनके चल रहे हैं ये सब, कि ये चाह नहीं रहे, हमें भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि इनके पास पावर है। अगर ये बहाल करना चाहे, कह रहे हैं कि हम इन पर कंसिडर करेंगे, गौर करेंगे। जैनेन्द्र नहीं कह रहे कि हम आपकी बात 100% क्या कहना चाह रहे? जी 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 शोभना। और ये देखिए, इस समय एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा था, वो बेहोश हो गया है। बड़ी खबर इस समय की, लगातार जवानों का गुस्सा बना हुआ है। और रक्षित हमारे सहयोगी हमसे, उन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर जो पुलिसकर्मियों का धरना चल रहा है, उसमें एक तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं कि एक ये रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं जो यहां पर धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहां पर बेहोश हो गए हैं और अब उनको यहां से लेकर जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर धरने में समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। अंकल ठीक है अब? हाँ ठीक। क्या दिक्कत हो गई थी? भीड़ थी, उसमें गौस आ गया। आप रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं दिल्ली पुलिस? हाँ हाँ, रिटायर्ड। आपका नाम? रामजस पांडे। अब आप ठीक हैं? आप ठीक। तो ऐसी भी कुछ तस्वीरें हैं जो देखने को सामने मिल रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिसकर्मियों का जो धरना चल रहा है, उसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे अपना समर्थन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब शुक्र की बात यह है कि अब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर है। कैमरामैन सुंदर के साथ रक्षित सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स। तो रक्षित की रिपोर्ट आपने देखी, जैनेन्द्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जैनेन्द्र, आपके साथ ढेरों ये पुलिसकर्मी मौजूद हैं, आप उनसे ये कहिए कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया था, जिन सीनियर ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया था, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद किया गया था। तो अब अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो उनके आला अधिकारी भी बहुत मजबूर हैं, तो ऐसे में इस तरीके से यूनिफॉर्म फोर्स का धरने पर बैठ जाना, घर वापस ना जाना, ये भी तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल शोभना, मैं पूछता हूं, लेकिन जब ये बात कि हाईकोर्ट में है मामला, वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे माइक से, तो नारे लग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। कुल मिलाकर के जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उनका सस्पेंशन वापस लेने की मांग पे ये लोग अड़े हुए हैं। और ये सवाल मैं पूछता हूं, ये बताइए कि हाईकोर्ट बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश के तहत सस्पेंड हुए हैं पुलिस अधिकारी, तो एक झटके में उनको कैसे बहाल कर दिया जाए? जैसे एक झटके में सस्पेंड किया जा सकता है, तो एक झटके में बहाल भी किया जा सकता है। आप बताओ सर, हाईकोर्ट ने? जैनेन्द्र, इस समय मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है कि अब से बस कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक कोई एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। हालांकि अभी हमें अंदाजा नहीं है कि वो बड़ी घोषणा क्या हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी खुद के फोर्स के जवानों का गुस्सा फूट रहा है, सड़कों पर आ गए हैं वो, उसके बाद ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि
अमोल पटनायक कोई ऐसी घोषणा जरूर करेंगे जिससे इन पुलिस के जवानों का गुस्सा शांत हो, ये अपने काम पर लौटें और अपने घर वापस जाएं। तो दिल्ली पुलिस के धरने पर बैठे जवानों के लिए अच्छी खबर हम इस समय यही कह सकते हैं कि बस कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमोल पटनायक कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये पुलिस के जवान जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं वो हमें सेट पर मैसेज देकर सस्पेंड कर देते हैं, तो अब सेट पर मैसेज देकर ही वो सस्पेंशन वापस लिया जाए। 30,000 कोर्ट पर जिन दो एएसआईज को सस्पेंड किया गया था उनका सस्पेंशन वापस लिया जाए। तो अमूल्य पटनायक पुलिस कमिश्नर दिल्ली के कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने भी बीच का रास्ता अपनाया है, उन्होंने भी कहा है कि जो घायल पुलिसकर्मी है उनका अच्छा इलाज कराया जाएगा, वकीलों की बात भी सुनी जाएगी और अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के भी सामने आने की बात कही जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल हम एबीपी न्यूज की तरफ से ये जरूर उठा रहे हैं कि आज जब अमूल्य पटनायक साहब आ रहे थे, माफ कीजिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को, इस घटनाक्रम में चोटें आई है उनका पूरा इलाज जाएगा। जिन पुलिस कर्मियों को इस घटनाक्रम में चोटें आई है उनका पूरा इलाज की व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस अच्छे से अच्छे तरीके से करेगी। घायल पुलिस कर्मी जो भी इस घटनाक्रम में इस इंसिडेंट में घायल हुए हैं उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट के तौर पर कम से कम 25,000 की न्यूनतम राशि दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाएगी। कल दिन का जो साकेत कोर्ट का जो इंसिडेंट था आपको पता होगा कि उसमें FIR दर्ज की जा चुकी है और उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज ही काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने आप सबकी जो बातें हैं वो सुनी हैं, आगे निरंतर इस पर काम चलता रहेगा। आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह अपनी वर्दी का, अपनी फोर्स का मान रखें और शांतिपूर्वक यहां से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए वापस अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जाएं। मैं आपको फिर से कमिश्नर साहब की तरफ से विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी जो ज्यादातर बातें थी उन पे कार्रवाई की जा चुकी है और आगे निरंतर इस पे कार्य चलता रहेगा। अब फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब जो लोग यहां से शांतिपूर्वक डिस्पर्स होकर अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जाएं, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें। जय हिंद। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सतीश गोलचा एक बार आपके सामने जवानों के सामने पहुंचे, अपील उन्होंने करी और उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी करी। जैसा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा था कि जो दिल्ली पुलिस के घायल पुलिसकर्मी हैं उनका अच्छे से इलाज कराया जाएगा, इसके साथ 25,000 रुपए की न्यूनतम राशि भी घायल दिल्ली पुलिस के कर्मियों को दी जाएगी। जैनेन्द्र का मैं रुख करना चाहूंगी। जैनेन्द्र, अभी हमने स्पेशल कमिश्नर सतीश गोलचा को सुना, उन्होंने भी वही अपील की जो कि अनिल बैजल ने अपनी प्रेस रिलीज में करी है। क्या वहां पर जो मौजूद जवान है वो खुश नजर आ रहे हैं आपको, हटने के लिए तैयार है वहां से? शोभना, प्राथमिक तौर पे मैं कहूंगा नहीं, अभी भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। प्रतिक्रियाएं मैं आपको एक एक करके सुनवाऊंगा। बताइए, जो अपील आई है कमिश्नर की तरफ से आप लोग मानेंगे? नहीं 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 मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अभी इस चीज की कोई गारंटी श्योरिटी तो है ही नहीं, लिखित में नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं इस चीज की। किस बात की श्योरिटी? कल हमारी पिटाई नहीं होगी। ये बताइए, कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, इसके अलावा घायलों को 25,000 दिया जाएगा, अच्छा इलाज हो रहा है, साकेत कोर्ट वाले मामले में FIR हुई है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? क्या इस पे आप लोगों को आपकी मांग पूरी नहीं हो रही? सर, हमारी मांग तो एक अपनी कमेटी बनाने की भी थी, वो ना तो वो अभी उसमें वो हुई है। ये बताइए, कमिश्नर के आश्वासन पे भरोसा है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा है। तो आप लोग वापस जाएंगे? बिल्कुल, सभी लोग वापस जाएंगे, थोड़े से डिसिप्लिन फोर्स के लोग हैं हम लोग, सभी लोग वापस जाएंगे। जी ठीक है, आप लोग मान जाएंगे, वापस जाएंगे आप लोग? सर अभी देखते हैं कंडीशन देते हैं, ऐसे कैसे वापस जाएंगे? आप ना कोई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ना नहीं ना कोई गिरफ्तारी हुई ना सर। आप घर जाएंगे? नहीं। कुछ महिलाएं भी हैं शोभना, मैं चाहूंगा उनकी भी प्रतिक्रिया मैं पहुंचाऊं आप तक। मैडम थोड़ा सा आप मुड़ जाइए, इस तरफ कैमरा इस तरफ है, और मैं चाहूंगा आपसे कि आप बताइए जो कमिश्नर का संदेश आया है क्या प्रतिक्रिया है आपकी?
बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे जब तक मनमानी हमारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारी मांगे पूरी होंगी। आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी? सर नहीं जाएंगे जब तक रिटर्न। देखा आपने कि तमाम जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो तीन चार मांगे मानने की बात कही जा रही है उससे इन लोगों को संतुष्टि नहीं है और अभी भी नारेबाजी हो रही है। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। जैनेन्द्र आप वहां पर मौजूद हैं, जैनेन्द्र इन पुलिस कर्मियों से आप ये पूछिए कि देखिए आप अनुशासनात्मक नियमों से बंधे हुए हैं, अगर आप इस तरीके की अनुशासनहीनता कर रहे हैं तब जब आपके सीनियर अधिकारी आपको आश्वासन दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तारी की बात की जा रही है, रिव्यू पिटीशन जारी दायर जो करेगी दिल्ली पुलिस, तो अब तो आपको मान जाना चाहिए, आपके खिलाफ अब कार्रवाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी। देखिए लोगों के मन में यह सवाल है कि फोर्स का मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो आपका सीनियर आदेश करे आप उस आदेश को माने, जो आपका सीनियर कहे। यहाँ तो आदेश भी नहीं, आपसे अपील की जा रही है कि आपकी मांगे मानी गई, अब आप शांतिपूर्ण तरीके से जाइए। मांगे कहाँ मांगी नहीं गई हैं? जो साकेत वाले केस में एफआईआर आज कर दी, कल क्यों नहीं हुई? और 30,000 हो तो गई, एफआईआर हो तो गई, 30,000 वाले वकीलों पे क्या कार्रवाई हुई और क्यों? और जो मैडम बाइक जला रही है वकील, वही चौकी इंचार्ज पे 354 का मुकदमा करा रही है। आप वर्दी में है, आप बताइए कि जो अपील आई है कमिश्नर की तरफ से उससे संतुष्ट? ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, ऑन कैमरा नहीं बोल पाएंगे। आप बताएंगे ये बताइए कि फोर्स का मतलब होता है डिसिप्लिन। अब आपकी मांग जब मान ली गई, अब आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं? हमारी कोई मांगे मानी नहीं गई है, हमारे पुलिस अफसर हमें कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, अगर वे कोऑपरेट करते तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते। नहीं जाएंगे वापस, आप पे खुद अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, आप दूसरे पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई आप पे हो जाएगी। नहीं, वो तो डिपार्टमेंट का मैटर है, अभी तक हम पे कार्रवाई होती रही है, अभी तक होती ही रही है। और हमारे पुलिस अफसर जो अपनी सीट को यहाँ जमाने के लिए दिल्ली में हमारे ऊपर कार्रवाई करके अपनी सीट को पक्की कर लेते हैं ताकि उनको अंडमान निकोबार। सर आप बताइए, आप पुलिस से आप रिटायर्ड है या वर्किंग है, क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर की तरफ से जो आया है, अपील आई है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जो कह रहे हैं वो देखेंगे, जब पक्का होगा कुछ अभी तो मानो। बस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है, ड्यूटी तो है ही हमारी ज्वाइन। अच्छा ये बताइए आप लोग वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? भैया मेरी वापस ड्यूटी करेंगे आप? ड्यूटी ये बताइए वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? करना पड़ेगा, जब उन्होंने आश्वासन दिया है अगर लागू कर देते हम लोग निकल जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि सीपी से अब एक बार तो क्या कि मांगे मानी गई तो अब आप वापस जाइए, वापस क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन सबकी मांग है कि सीपी साहब जब तक हमें संबोधन ना करेंगे तब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। नई बात आई है, लेकिन कह रहे हैं कि जब कहा जाएगा तो जाएंगे ही। जी हाँ, लेकिन कमिश्नर और पुलिस आकर के ये बात कह दे तो शायद ज्यादा असर पड़ेगा। जी शोभना, जैनेन्द्र अमूल्य पटनायक साहब तो दोपहर में आ ही चुके हैं सामने, उन्होंने कहा ही है कि प्रतीक्षा का समय है, हमें धीरज रखना चाहिए, कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कमिश्नर इस भाषा का इस्तेमाल करते कि ये जो हमला हुआ है ये मेरी वर्दी पर हुआ है तो शायद ये पुलिसकर्मी इतना नाराज ना होते? उनको लग रहा है कि उनका मुखिया उनके साथ उस ताकत के साथ खड़ा नहीं हो रहा। वकीलों से ज्यादा अपने मुखिया से शिकायत है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि हमको ज्यादा दुख जो है वो अपनों से होता है। वकीलों ने पिटाई की पुलिस वालों की, पुलिस वाले कह रहे हैं कि एफआईआर करो, अंदर करो, कार्रवाई करो, लेकिन त्वरित कार्रवाई जो नहीं हुई है, ऊपर से उल्टे कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ तुरंत जो है वो पुलिस हरकत में नहीं आई, इस बात से ज्यादा दुखी है पुलिस वाले, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पूरे दिन। और जाहिर सी बात है कमिश्नर का इकबाल जो है वो कितना है और बाकी पुलिस अधिकारियों का इकबाल या प्रतिष्ठा कितनी है पुलिस कर्मियों में, वो साफ तस्वीरों में दिखता है कि जब वो बोल रहे होते हैं जैनेन्द्र जैनेन्द्र आप वहां पर मौजूद हैं और मैं आपसे यही कहूंगी, एबीपी न्यूज इन पुलिस कर्मियों से यही अपील करेगा कि आला अधिकारी लगातार आपको आश्वासन दे रहे हैं, एलजी साहब ने भी आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है, आप अपने अपने घरों पर लौटिए, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा आपके हाथों में है जो बहुत जरूरी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवान इस समय धरने पर मौजूद हैं और ये देखिए तमाम आला अधिकारी एक एक जवान के पास जा रहे हैं, उनसे विनम्रता के साथ ये कह रहे हैं कि आप अब लौटिए ड्यूटी पर। ऑफिसर जो मिक्सअप कर रहे हैं सर, उस वेलफेयर को हमें नहीं चाहिए, हमें अलग से पुलिस यूनियन चाहिए, हम उसके लिए उसका आश्वासन दो ना सर। ये 10,000-12,000 लोग कोई आश्वासन नहीं दिया बेटा, हमारे सिप्पी साहब हमारे मुखिया हैं, उनको शर्म आती है हमसे बात करने में,
उनको शर्म आती है हमसे बात करने में। 12-15 ये हजार तुम किस यूनिट में हो, किस बटालियन में हो? मैं अपने आउटर में सर, आउटर में। हाँ तो जॉइंट सीपी भी तो, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिपाही भी जो अपनी बीट का सीपी होता है, मैं भी तो अपने रेंज का सीपी हूँ। तुम्हें जो मैं अगर सीपी से मैं बात कर रहा हूँ ना, हर चीज में सीपी आए तुम्हारा सुन ले, फिर वो हे फिर करने लगे। परिवार के मुखिया की कोई इज्जत होती है या नहीं होती है? परिवार की कोई मुखिया की इज्जत होती है या नहीं? इस बात की कोई कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया? इस तरह का आश्वासन इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, ये तो आपकी अपनी बात है ना। और आप है ना, आप ये बहुत अच्छा तुम्हारा वीडियो ट्राई कर रहे हैं, उल्टी ना हो रहा है। अब अपनी वैल्यू रखो, तुम्हारी तुम्हारी बातें मान ली थोड़ा क्यों इधर। अब तुम्हारी क्या है, यूनियन एक दिन में थोड़ी ना बढ़ेगी। 15 आदमी लेके घूम रहे थे कि पुलिस यूनियन एक दिन में बन जाएगी क्या? गैर जमानती अपराध बनाओ क्या पुलिस? अभी गैर जमानती नहीं है क्या? गैर जमानती की बात सारी बात चलिए चलिए चलो शाबाश बेटा चलिए उठिए। हो गया बेटा, उठना है ये उठो उठो बेटा, की कोशिश करो। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, अब ये पुलिस की बेइज्जती वाला काम हो रहा है सारा, इज्जत बनेगी सारा काम हो गया, समझा करो। बेटा डीसीपी मैडम ठीक है, वो अपना काम कर रही है, तो उसी में तो मुकदमा कायम किया गया है। कहाँ कोर्ट जा रहे हैं बेटा? हम लोग भी तो इस समय आप तस्वीरों में ज्वाइंट कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव को देख रहे हैं। ये आला अधिकारी, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपीज इस समय एक एक जवान के पास जा रहे हैं, खुद पर्सनली जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने काम पर लौटिए। और एबीपी न्यूज भी लगातार इन जवानों से यही अपील करेगा, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इन पुलिस के जवानों से ये अपील कर रहे हैं कि अब आप ड्यूटी पर लौटिए, दिल्ली की सुरक्षा आपके हाथों में है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सरकार आपके लिए लगातार काम कर रही है।